पद्मसार कोट, ये जो मैंने पहना हुआ है ये वाला कोट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि पाली भाषा से ही ये शब्द आया हुआ है। जो हम ऊपर का हिस्सा पहनते हैं उसको कोट बोलते हैं। कोट भारत का पाली भाषा का बहुत पुराना शब्द है, मगर कोट का जो शब्द ये कपड़े का या वत्थु का या वस्तु का या वस्त्र का जो पड़ा है या वस्त्र का जो पड़ा है, ये नाम बहुत बाद में पड़ा है। कोट का मतलब होता है शिखर, यानी कि चोटी, यानी कि सबसे ऊंचा हिस्सा जिस चीज़ का होता है, इसको उर्दू भाषा में मीनार कह सकते हैं या चोटी कह सकते हैं, उसको यहाँ कोट बोला जाता है पाली के अंदर। कोट जहाँ लग जाए समझ लीजिए कि पाली की कोई पुरानी जगह रही है, पाली का कोई पुराना स्थान रहा है। बुलंद शहर एक जगह है आज की डेट में, क्योंकि ये नाम उर्दू से आया हुआ है। बुलंद और शहर, ये दोनों ही उर्दू के शब्द हैं, मगर बुलंद और शहर से जो शब्द है, वहाँ एक बहुत ऊंची जगह है जो पुरानी एक नदी जाती है, काली नदी है, उसके ऊपर का एक स्थान है। वो जो ऊपर का स्थान है उस पर एक मोहल्ला है, पुराना मोहल्ला यानी कि पुराना शहर, उसको ऊपर कोट बोलते हैं आज के समय में भी। ऊपर कोट यानी ऊपर का कोट, यानी ऊपर का शिखर। एक नीचे का होगा कोई तो ऊपर का शिखर। ये ऊपर का कोट बाद में जब यहाँ मुगल आए तो उसका नाम चेंज होके बुलंद शहर बन गया। बुलंद माने भी ऊपर होता है और शहर माने सिटी हो गया, मतलब दोनों का सेम है। अगर आप ध्यान देंगे तो भारत में बहुत सारे ऐसे शहर या नगर हैं जिनमें आगे या पीछे कोट लगता है, जैसे मैं कुछ नाम आपको बता रहा हूँ। पठानकोट, पठानकोट का मतलब है पठानकोट, जहाँ पे धम्म पठान जैसे एक जगह है। धम्म पठान का मतलब है जहाँ धम्म को प्रतिष्ठापित किया जा जाता है, स्थापित किया जाता है, पठान किया जाता है, तो वो धम्म पठान हो गई, ऐसी पठानकोट। शोरकोट, शोरकोट पाकिस्तान के अंदर जगह है, क्योंकि पाकिस्तान पुराना पहले बुद्धिस्ट रहा है, सारा का सारा क्षेत्र, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे ईरान है, या बांग्लादेश है, या पाकिस्तान है, सारा बुद्धिस्ट लोग रहे। मुस्लिम तो बहुत बाद में आए हैं, लगभग 1200 साल बाद मोहम्मद साहब आए हैं बर्थ के बाद, तब कहीं जाके लोगों ने मुस्लिम कल्चर अडॉप्ट किया है। नगरकोट, नगरकोट दो जगह हैं, एक नगरकोट हिमाचल प्रदेश में है और एक नगरकोट काठमांडू में, यानी नगर में सबसे ऊंची जगह नगरकोट हो गई। और दोनों ही नगरकोट पे विपसना साधना और मेडिटेशन और विपसना की स्थल रहे हैं, जगह रहे हैं। वहाँ लोग बहुत पीले कपड़े पहन पहन के जाते रहे हैं, वहाँ जाके विपसना साधना करते हैं 8 दिन के लिए, 9 दिन के लिए, बड़ी फेमस जगह रही हैं। लोग जात लगाने आज भी जाते हैं, हालांकि उनको जात का मतलब पता नहीं है। सियालकोट, सियालकोट पाकिस्तान के अंदर जगह है, बेसिकली ये सीलकोट है। सीलकोट का मतलब है जहाँ सीलों का पालन उच्च शिखर पर किया जाता है, उसको सियालकोट या सीलकोट बोला जाता है। पठान जहाँ जगह है, जैसे आपने देखा होगा पठान जो बोला जाता है, पठान का मतलब है पठान, पठान जो जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया है धम्म के अंदर, वो पठान लोग हैं। और वो अपने कौल के पक्के होते हैं, अपनी बात के पक्के होते हैं, वो अपने सच्चे होते हैं, क्योंकि जो मुस्लिम कल्चर है वो तो बहुत बाद में आई है, पहले ये लोग पठान रहे हैं, पठान से ही पठान बना है, और पठान जहाँ रहते थे उसी को पठान कोट बोला गया। हरियाणा में एक गुरुग्राम के पास में एक जगह है जिसका नाम है कोट, कोट द्वार है, कोट नगर है। रुद्रप्रयाग जगह है जो उत्तराखंड के अंदर है, वहां एक कोट नगर भी है। कोटपुतली, कोटा, कोटपाल उड़ीसा के अंदर है, कोटी, कोटिल, ये सारे के सारे बहुत कमाल के शब्द रहे हैं। और इसमें सबसे कमाल का जो शब्द है वो है कोटिल। कौटिल्य का मतलब है ऊंची शिखर के लिए या ऊंची शिखर से लायक या ऊंची शिखर के संबंध में, यानी कि जो कौटिल्य का मतलब है जो ऊंचे शिखर पे पहुंचा हुआ है। कौटिल्य को बुद्ध भी बोला जाता है, यानी बुद्ध के नाम को कौटिल्य बोला जाता है। कौटिल्य यानी कि बुद्ध सबसे ऊंचे शिखर पे पहुंचे हुए थे, इसलिए उनको कौटिल्य बोला जाता है। कौटिल्य नाम उनका इसलिए बड़ा फेमस रहा है क्योंकि शिखर पे, ह्यूमन के शिखर पे या नॉलेज के शिखर पे, जानकारी के शिखर पे, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे, चोटी पे पहुंचने वाले आज तक के जो रहे हैं वो भगवान, भगवा, तथागत, वेदांत गु, इन बहुत सारे नाम हैं भगवान बुद्ध के, भगवान बुद्ध के, उनमें कौटिल्य नाम भी है। कौटिल्य एक वो डिग्री है जो व्यक्ति सबसे हाईएस्ट नॉलेज गेन करता है उसको मिलती है, इसलिए कोटी से बना है कौटिल्य।
और बाद में संस्कृत भाषा में इसको दो मात्रा लगा के औरत वाली कौटिल्य कहा गया, क्योंकि पाली के अंदर दो मात्राएं नहीं होती, पाली के अंदर एक ही मात्रा होती है, को वाली, कौ वाली नहीं होती है। इसलिए भगवान बुद्ध का ये अनुपम और सबसे उत्तम नाम है, क्योंकि वो शिखर के सबसे ऊपर के हिस्से पे मनुष्य में और जितने भी जीव हैं उनमें आज तक में रहे हैं। और उन्हीं जो कौटिल्य, यानी जो कौटिल्य ने जितनी भी जानकारी दी, जितना भी शासन बताया, उसको शास्ता बोलते हैं या शासन बोलते हैं, कौटिल्य शास्त्र भी बोलते हैं, कौटिल्य ग्रंथ भी बोलते हैं, त्रिपिटक का नाम भी कौटिल्य ग्रंथ कहा जा सकता है। धन्यवाद।